आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें ना माइक्रोसॉफ्ट के पॉकेट एडिशन के साथ कैसे कीबोर्ड और माउस यूज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके लिए सबसे पहले हमें ना एक OTG केबल चाहिए जिससे ना हम कोई भी है ना कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सके ऐसे, और हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें ना OTG केबल को है ना इन दोनों पे कनेक्ट कर ले। उसके है ना हमें कीबोर्ड माउस की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके है ना ये वाली जो पिन है इसको है ना मोबाइल की इधर से लगानी है। सब कुछ कनेक्ट करने के बाद अभी हम खेलेंगे हमारा माइनक्राफ्ट, तो ये शुरू हो रहा है। कुछ के अंदर ये माउस का कलर ब्लैक आएगा, कुछ के अंदर व्हाइट। लोड हो रहा है, तो अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दिए। तो ये देखो ये है ना अभी ऐसा आ रहा है, F5 दबाने पे ये ऐसे ठीक हो जाएगा। ये अगर हम W दबाएंगे तो ये हमारा ये आगे जाएगा, S दबाएंगे पीछे, ये A दबाएंगे तो लेफ्ट में और D दबाएंगे तो राइट में, अगर हम स्पेस बार दबाएंगे तो ये जंप करेगा। तो अभी आपको पता चला कि है ना हमें ना OTG केबल के जरिए ना माइक्रोसॉफ्ट है ना कीबोर्ड माउस से भी खेल सकते हैं OTG केबल से। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।